हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द एकेडमी प्लस पर। तो दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ ऐसी धमाकेदार शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में जो आपको हर एग्ज़ाम में काम आने वाली है। चाहे आपका बैंकिंग का एग्ज़ाम हो या फिर हो एसएससी सीजीएल या फिर रेलवे का कोई एग्ज़ाम हो या फिर कोई और एग्ज़ाम, तो एप्टीट्यूड तो उसका पार्ट होता ही होता है। दोस्तों, अगर आपकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन वीक है, बहुत स्लो है, तो आपको बहुत मुश्किल हो सकती है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी बैंक का एग्ज़ाम दे रहे हैं और आपका मैथ्स बहुत स्ट्रांग है, देन यू विल फील मोटिवेटेड। तब आपको खुद लगेगा कि येस, आई कैन डू, आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम इजीली। और मैथ्स अगर आपकी वीक है, देन यू विल फील डीमोटिवेटेड। आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, जल्दी से जल्दी अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, बहुत मुश्किल होगी। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको शॉर्ट ट्रिक्स की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे कि आप क्वेश्चंस को बहुत जल्दी सॉल्व कर पाएंगे विद एक्यूरेट आंसर। दोस्तों, अगर मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट कि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें टाइम टू टाइम। दोस्तों, जब इंसान जन्म लेता है तो भगवान उसे एक गिफ्ट जरूर देकर भेजते हैं, और वो हर इंसान को मिलता है, और वो है सपने देखने की ताकत, अपने हालातों में परिवर्तन करने की ताकत। लेकिन मुश्किल ये है दोस्तों कि 100 में से 99 लोग अपनी जिंदगी को जीने के दौरान इस ताकत को खो देते हैं। तो मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि आप अपने सपनों की उड़ान को बरकरार रखें और जिंदगी की भागदौड़ में उन सपनों को खोने ना दें। आप उनको जिंदा रखें और उनके लिए कड़ी मेहनत करें, सफलता एक दिन आपको जरूर मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं शॉर्ट ट्रिक नंबर 1 से। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास दो नंबर्स हैं, 12 एंड 21, और दोनों ही नंबर्स 2 डिजिट के हैं। कंडीशन क्या है? दोनों ही नंबर्स 2 डिजिट के होने चाहिए। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा? तो स्टेप नंबर वन में जो राइट में लिखे हुई हैं डिजिट्स, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। 2 इंटू 1, दैट मीन्स 2, यहां लिख दीजिए 2। ओके, इसके बाद इन नंबर्स को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। स्टेप नंबर 2, 1 इंटू 1, दैट मीन्स 1, 2 इंटू 2, दैट मीन्स 4। इन दोनों को आपस में ऐड कर दो, दैट मीन्स 5 प्लस 5, तो 5 आप यहां पर लिख देंगे। इसके बाद लास्ट स्टेप में क्या करना है? इन दोनों डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर दो जो लेफ्ट में लिखी हुई है। 1 इंटू 2, दैट मीन्स 2, 252 इज द फाइनल आंसर। हो सकता है अभी आपको लग रहा हो कि बहुत मुश्किल है, मैंने यहां पे कुछ कुछ लिख दिया है। ट्रस्ट मी, यू कैन सॉल्व दिस बाई प्रैक्टिसिंग विद इन फ्यू सेकेंड्स, लाइक 10 और 15 सेकेंड्स। किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये टाइम बहुत मैटर करता है, ये आपकी जिंदगी बदल सकता है। तो आपको टाइम का बहुत ख्याल रखना है कि आपको जल्दी से जल्दी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट से आपके पास ये नंबर है 23 एंड 42, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है सेम तरीके से। आप कर सकते हैं इसको, ट्रस्ट मी, आप बिना पेन उठाए ही आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपकी कैलकुलेशन आपके दिमाग में चलनी चाहिए, आपके माइंड में कैलकुलेशन चलनी चाहिए वेरी फास्ट। सो रिकॉल योर फर्स्ट स्टेप, 3 इंटू 2, दैट मीन्स 6। अब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। सेकेंड स्टेप, 2 इंटू 2 इज 4, और 4 इंटू 3 इज 12, 12 प्लस 4 इज 6, तो 6 आपको लिखना है, और कैरी यहाँ पे आ जाएगा 1। और 2 इंटू 4, लास्ट स्टेप, 2 इंटू 4 इज 8, 8 प्लस 1 इज 9। ये रहा आपका आंसर। क्या आपने यहां पे कैलकुलेशन की? कुछ नहीं की। तो ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, आप कर सकते हैं। एक और प्रॉब्लम ले लेते हैं। लेट से आपके पास एक नंबर है 71, और आपको मल्टीप्लाई करना है 12 के साथ, तो आप कैसे करेंगे? 2 इंटू 1, 2, और आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए इनको। 1 इंटू 1 इज 1, 7 इंटू 2 इज 14, 14 प्लस 1 इज 15, 15 का 5, एंड 1 यहाँ पे कैरी आ जाएगा, और 7 इंटू 1 इज 7 प्लस 1 कैरी, दैट मीन्स 8। सो 852 इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। अगर एग्जाम में आपके पास ये प्रॉब्लम्स आती हैं तो कितनी जल्दी आप इनको सॉल्व कर सकते हैं, आपने देखा, कुछ ही सेकंड्स में आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं शॉर्ट ट्रिक नंबर 2 की। इसमें हम बात करेंगे
कि अगर आपके पास 11 के साथ कोई भी 2 डिजिट नंबर है या फिर 3 डिजिट नंबर है, उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे स्पेशली 11 के साथ, लेट से आपके पास नंबर है 72, इसको मल्टीप्लाई करना है 11 के साथ, तो कैसे करेंगे आप, कितना जल्दी इसको सॉल्व कर सकते हैं? तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको 72 को एक तरफ लिखना है और 2 आपका जो राइट मोस्ट डिजिट है उसको एज इट इज आप लिख देंगे, एज इट इज, जैसा है एज इट इज आप उसको लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद जो लेफ्ट में है डिजिट, 2 के लेफ्ट में है, ठीक है, दैट मींस 7, 7 प्लस 2 आप ऐड कर देंगे इन दोनों नंबर्स को, दैट मींस आपको मिल जाएगा 9, और 7 को आप लिख देंगे एज इट इज, ओके, दैट मींस योर आंसर इज 792, ओके। दिस वाज योर प्रॉब्लम नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2। आपके पास एक नंबर है 49 × 11, अब इसको कैसे करेंगे? तो सिंपली आपको करना क्या है, 9 को आप एज इट इज लिख देंगे, फर्स्ट स्टेप, 9 को आप एज इट इज लिख देंगे। इसके बाद 9 प्लस 4, दैट मीन्स 13, तो 13 का 3 आ जाएगा और कैरी फॉरवर्ड यहां पे हो जाएगा, ओके। देन लास्ट में बचता है आपका 4, तो 4 में 1 को ऐड कर देंगे, दैट मीन्स 5, सो 539 इज योर आंसर। तो देखिए दोस्तों, मैंने कोई भी कैलकुलेशन अलग से नहीं की, डायरेक्टली किया मैंने और उसको सॉल्व कर दिया, सो हेयर इज योर आंसर 539। तो दोस्तों ये था वीडियो शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो दोस्तों मैं लेता हूँ आपसे अब अलविदा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।